पंजाब हुकूमत का मियां नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर की पेरोल पर रिहाई 3 दिन बढ़ाने का फैसला। जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत शरीफ खानदान को हर मुमकिन सहूलत कानून के मुताबिक देगी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन रजा, मजीद बताइएगा। जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मिसी नवाज की सरबराही में इजलास हुआ था और वहाँ पे चमड़ी तैयार की गई थी जो लेके वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार के पास गए थे, जिसने वाजे तौर पर लिखा था कि 3 दिन की जो पेरोल है उसकी मंजूरी दे दी जाए, क्योंकि जो कानून है पाकिस्तान प्रिजन जो रूल है 1978 उसका सेक्शन 354 जो है बी, उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ महकमा दाखिला पंजाब 12 घंटे की जो है वो इजाजत दे सकता है, जिसमें सफरी जो टाइम होता है वो शामिल नहीं होता, जो उसके मुताबिक 3:30 बजे के करीब जो है वो मुद्दत खत्म हो रही थी। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है। सिर्फ इतनी इतला महकमा दाखिला पंजाब को दी गई है कि मंजूरी दे दी गई है और फैसला कर लिया के बाद मंजूरी दे दी गई है और अब नोटिफिकेशन तैयार किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद जो है इसका नोटिफिकेशन भी महकमा दाखिला पंजाब की जानब से जारी हो जाएगा और इसमें क्योंकि सब जेल का हवाला मामला चल रहा था उसको फिलहाल जो है उसको इजलास में ये फैसला किया गया है कि वो इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि पेरोल का जो मामला है सिर्फ वही लेके चला जाएगा और पेरोल की मजीद भी अगर उनको जरूरत हुई तो मजीद भी उनको पेरोल की मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। और अगर बेगम कुसुम नवाज के जनाजे में ताखीर हुई या उनकी मैयत ताखीर से पहुंची है कोई इशूज की वजह से तो उनके जो पेरोल की मुद्दत जो है वो काबीना ही बढ़ाएगी, ये थ्रू सर्कुलेशन जो है ये काबीना जो इजाजत ले सकती है, जिसका बताया क्योंकि कानून में मौजूद है और कानून के मुताबिक ही जो है इकदाम किए जा रहे हैं। और सूबाई वजीर कानून राजा बुशारत ने भी इस हवाले से बताया था कि हम तमाम तर मामला जो है वो कानून के मुताबिक लेके चल रहे हैं और कानून के मुताबिक ही महकमा दाखिला पंजाब ने 12 घंटे की जो है वो इजाजत दी थी और अब जो है बाकायदा तौर पर जिसका कुछ बताया जा रहा है कि उसकी मंजूरी दे दी गई है तो उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर कुछ देर बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मजीद वहाँ पे रह सकते हैं। और हुकूमती जराए ये दावा कर रहे हैं कि जो भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनकी बेटी जो है मरियम नवाज शरीफ और उनके हस्बैंड जो है जो मोहम्मद सफदर हैं, इनको मुकम्मल तौर पे इनको फिरवत देने के हवाले से फैसला किया गया है, क्योंकि इस परेशानी में इनको इन पर कोई किसी और किस्म की कोई टेंशन या कोई परेशानी नहीं डाली जाएगी जब तक यह है और शायद ये हफ्ते तक जो है यहाँ पर रहेंगे और हफ्ते की शाम को जो है यहाँ से दोबारा अगर जो है इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।